हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्केल के बारे में और स्ट्रेच के बारे में। तो देखिए, ये स्केल है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। पहले स्केल देखिए, एस सी एंटर, इसका शॉर्ट की एस सी और एंटर, और स्ट्रेच का एस और एंटर, इसको भी हाईलाइट कर लिया क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सबको हाईलाइट करते गए हैं। ये सारे हमने काम कर चुके हैं और अभी जो करते जाएंगे उस पर भी हम हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। तो हमने इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्केलिंग के लिए, वो मैं आपको शो करता हूँ। तो देखिए, ये हमने 20 mm का ये लिया, हमने 4 mm का ये लिया, फिर ये दिस साइड भी 4 mm लिया, ठीक है। अब इसे हम स्केल दे दें। तो अभी हमने यहाँ पे एस सी एंटर, क्या पूछ रहा है, जब एस सी टाइप किया तो क्या पूछ, स्केल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हमें ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंटर दिया तो क्या किया, लेफ्ट बटन दबा दिया या एंटर दे दें। स्केल स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमने बेस पॉइंट चले कुछ ही पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसे हम सिंपली हमने, अगर मुझे बड़ा करना हो तो 1 के ऊपर जाना है, ठीक है, जैसे 1.2, 1.1, 1.5, 2, 3 लाइक दैट। और हमें छोटा करना है तो 0.99 से शुरू करेंगे, 0.99, 0.8, 0.5, 0.4 लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए हम इसे बड़ा करते हैं, 1.25, नहीं सीधा दो बड़ा, 2 करते हैं सिंपली, हमने डायरेक्ट मल्टी, इसका जो 20 है इसको हम 40 में करते हैं, 2 × 2 कर देते हैं, 2। देखिए अभी जो हमारा स्केल था 20 का, वो भी 40 का हो जाएगा। देखिए 40 का हो गया, सेम ये भी हमने 4 का था तो 8 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए, हमने अभी ये समझ गए, अभी फिर से हम समझते हैं एस सी, अभी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी क्या बेस पॉइंट, सेम हमने बेस पॉइंट देते हैं, क्या कॉपी, अभी मैं कॉपी, हमें चाहिए फिर से, हमको एक ये 40 का है, हमें सेम साइज़ का 20 में चाहिए, 50% कम चाहिए सपोज़। तो हमें पहले सी ये करना है और हमें 0.5 करता है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, 0.5 हमें कॉपी भी चाहिए और स्केल भी चाहिए, तो 0.5 दिए, सिंपली देख रहे हैं एंटर। अभी देखिए, कॉपी भी कर दिया और आपको स्केल भी 0.5 करके दे दिया आपको, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो चले अब हम एक और है रेफरेंस, देखिए एस सी एंटर, ठीक है। अभी हमने इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, बेस पॉइंट, चले हमें अभी क्या है कि इसे हमें इसके बराबर चाहिए, अभी हमें ये है और ये इस ऑब्जेक्ट को हमें, इस ऑब्जेक्ट को हमें इसके बराबर चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमने इसका बेस पॉइंट पकड़ लिया और आर टाइप किया तो रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस कहाँ, हमने ये लिया सेकेंड, देखिए न्यू पूछ रहा है दिस, समझ में आया। तो अभी हमने ये लिया और उसके बाद पी पूछ रहा है, देखें आप, न्यू लेंथ और पी पॉइंट्स, तो हमने पी देना है, पी एंटर, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट स्केल, अभी इसके बराबर करना है मुझे, तो दिस एंड दिस, देखिए ये इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये है, अभी स्केल के बारे में आपको समझ में आ गया, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, आपको बहुत आसान लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो दफ़ा तो आपको आसान लगेगा ऑटोकैड। हाँ, अब सेकेंड हम चलते हैं स्ट्रेच के बारे में। स्ट्रेच क्या है कि अभी मैं दिखाता हूँ, एस एंटर, ठीक है, स्ट्रेच सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, देखें
जब ने एस एंटर लिया तो स्ट्रेच सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें सपोज हमें इस पोर्शन को हमें थोड़ा बड़ा करना है, सिर्फ इतना ही को, ठीक है। तो इस सेलेक्ट किया, फिर राइट बटन दबाया माउस का, ओके। फिर हमने क्या करेंगे, एक पॉइंट पकड़ेंगे और जहाँ तक लेके जाना बड़ा करना है वहाँ तक लेके जा सकते हैं, देखें, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्लियर होगा, जब हम काम करेंगे तो समझ में आएगा इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है। तो इतना ही पोर्शन को लेके जाएगा बड़ा, ठीक है, या नहीं तो ये देखें, फिर एस एंटर, फिर हमें इसे बड़ा करना है सिर्फ, ठीक है, देखें हो गया। फिर राइट बटन का राइट क्लिक करें, फिर ये हमें बड़ा करना है, देखें सिर्फ ये पोर्शन बड़ा होगा, ठीक है। या आप डायमेंशन भी दे सकते हैं, आपने उसमें डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चले, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, थोड़ी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, थोड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं आप तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत आसान है ये। अगर आप पिछले वीडियो सारे देखे होंगे तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, खुद कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप थोड़ा, मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।